श्रीदेवी की छोटी बेटी के साथ लॉन्च होंगे छोटे नवाब इब्राहिम, सैफ का सीक्रेट प्लान लीक। बेटी सारा अली खान के बड़े पर्दे पर डेब्यू के बाद पटौड़ी के नवाब सैफ अली खान ने अब अपने बेटे इब्राहिम की हिंदी सिनेमा में एंट्री को भी हरी झंडी दे दी है। बेटी के करियर के लिए सैफ ने ज्यादा हाथ पांव नहीं मारे हैं, लेकिन अपने बेटे इब्राहिम की बड़े पर्दे पर लॉन्चिंग के लिए सैफ अली खान ने खुद सारा खाका तैयार किया है। गौर हो कि सारा अली खान का निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ अपने बलबूते मिली और दूसरी फिल्म सिम्बा भी सारा अली खान ने रोहित शेट्टी का लगातार पीछा करके ही पाई। वहीं धर्मा प्रोडक्शंस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इब्राहिम की पहली फिल्म साल 2019 में श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ होगी। खुशी कपूर की लॉन्चिंग की बात खुद करण जौहर जगदाहिर कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म के हीरो इब्राहिम खान होंगे ये बात किसी भी तरह लीक ना हो इसके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। इब्राहिम खान हाल के दिनों में कई बार करण जौहर से मिल चुके हैं, उनका लुक टेस्ट और उनका फोटोशूट भी हो चुका है और अब तक के सारे टेस्ट्स में इब्राहिम अली खान ने 100 में 100 नंबर पाए हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर करण जौहर काफी दिनों से अपनी टीम के साथ काम करते रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शंस की क्रिएटिव टीम ने दोनों के लिए एक लव स्टोरी फाइनल की है और इस स्क्रिप्ट पर खुशी कपूर के पिता बोनी कपूर भी रजामंदी जता चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान खुद करण जौहर जल्द ही करने वाले हैं और दोनों कलाकारों की इस जोड़ी को लॉन्च करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी गुपचुप तरीके से चल रही है।